नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। और सर, आज आप क्या करवाने वाले हो? तो आज भी प्यारे प्यारे बच्चों, हम 50 सवाल करने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश के और हिंदी के, दोनों भाषा के ऊपर। छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, ठीक है? तो आपने जल्दी से फिर आंसर करने हैं इनके, ठीक है? सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, ठीक है? जो भी हमारे त्यौहार चले हुए हैं, जैसे दीपावली पे, है ना, पटाखे वगैरह आप फोड़ लिए होंगे सभी ने। आई होप किसी को चोट नहीं लगी होगी। और मार्कोस बैच में बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं, 15 से ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है? और आपको बता दिया जाएगा, आप फिलहाल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बैच है, क्योंकि 10,000 सवाल हम करेंगे इस बैच में, तो बहुत। और वो कौन से 10,000? नॉर्मल नहीं, जो नॉर्मल होते हैं हम वो करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो मोटिवेशन से हम शुरुआत करते हैं। जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, बस वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। यही फर्क होता है एक विनर में और एक लूजर में, कोई खास फर्क नहीं है। इंसान वो भी आप ही की तरह होते हैं, जो भी टॉपर होता है वो आप ही की तरह है, पूरा शरीर वाइज देख लीजिए। हैं, कई बार सोचते हैं बच्चे, पता नहीं है, उसके चार टांगे नहीं होती हैं, सभी के दो हाथ हैं, कान पैर, पूरा स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी वही होता है, कोई अलग सा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस वही है कि 24 घंटे सभी के पास है, हर एक बच्चे के पास। ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहीं किसी को ज्यादा मिल चुका है, ठीक है? तो चलो फिर हो जाओ शुरू, स्पीड में बढ़ाना है हमने, ठीक है, सेशन को। तो चलो फिर, पहला सवाल ये रहा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? चलो हो जाओ शुरू फिर। 10 है, 11 है, 12 है, या फिर 13 है? तो वर्णमाला में आपको पता ही है सभी को, 11 स्वर, 33 व्यंजन, ये सवाल रहता ही है। पहला सवाल आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, इस पुस्तक के अंत में दो परिशिष्ट दिए गए हैं, यानी कि शुद्धि करनी है आपने वाक्यों की, है ना? यहाँ पे मतलब स्पेलिंग एरर जैसे इंग्लिश में होते हैं वैसे हिंदी में होते हैं। अब कौन सा परिशिष्ट सही है? ऑप्शन ए वाला, बी वाला, सी वाला, या फिर डी वाला? और प्यारे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, यानी कि परिशिष्ट होता, राइट? आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, ऑप्शन ए, बी, सी, या फिर डी, व्यवहारिक रूप से। तो कौन सा सही होगा? दिए गए चार विकल्पों में से आपने सही आंसर बताना है। जो बिल्कुल सही होगा वो आपने कमेंट करना है, और आपके आंसर सही आ रहे हैं। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, ऑप्शन बी वाला व्यवहारिक बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेद से हमेशा सवाल रहते हैं, निरुत्तर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नी प्लस उत्तर होगा, नी प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर, नी प्लस उत्तर, ए, बी, सी, या फिर डी? कौन सी ऑप्शन को ताला लगाया जाए? कंप्यूटर महाशय जल्दी से बताइए, कौन सी ऑप्शन पे ताला लगा दिया जाए? ऑप्शन डी जो कह रहे हैं, नी जमा उत्तर इज इक्वल टू निरुत्तर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, सीधा सवाल, आसान सवाल, लेकिन ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, और स्पेशली पटवारी अर्जुना बैच वाले बच्चे, जरा देखिए आपने कितना पढ़ लिया गया, आपको कितना पढ़ाया है, और अपनी प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे बताइए, 3, 4, 5 और 6 सर्वनाम के टोटल जितने भेद हैं? ऑप्शन डी, यानी कि 6 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या छंद कहते हैं? जल्दी से बताइए, आपने पढ़ा हुआ है, मतलब डेफिनेशन पे ही सवाल आ चुका है, बताओ, पूछा हुआ सवाल है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए उस सार्थक शब्द को हम कहते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि समास। क्वेश्चन नंबर 7, नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, या फिर द्विगु? बताओ जरा जल्दी से, नील कमल में कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको, तो ऑप्शन सी यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञ है, ज्ञान है, वी है, या फिर अन है? ऑप्शन ए, बी, या फिर सी? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा है एग्जामिनर ने, ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज वी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में कुछ शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटिए। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, खुद ही बता दिया है जो कुछ है ना, वो इन्होंने बता दिया कि वो विशेषण है, लेकिन अब ये आपको बताना है कि गुणवाचक है, अनिश्चित परिणामवाचक है, सार्वनामिक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, कौन सा वाला है? कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्या कर रहे थे? शोर मचा रहे थे, तो ऑप्शन डी जो कह रहे हैं सर, संख्या का जो
जो है वो हमें पता चल रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, अंतर के पट खोलना इसका क्या मतलब है? मुहावरे, मुहावरे एक या दो नंबर कम से कम हिंदी भाषा में। तो बताइए, प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। अंतर के पट खोलना, ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। नेक्स्ट सवाल है, मंत्र फूंकना किसी पे, इसका सही जवाब क्या होगा? वशीकरण करना, प्रभाव दिखाना, क्रोध शांत करना, बहका देना। मंत्र फूंकना, आपको पता है एक लाइन हम कहते हैं कि भगवान मंत्रों के अधीन होते हैं, इस बात को जरा कभी सोचना, ये बात बिल्कुल सही है, मंत्रों के अधीन होते हैं भगवान, ठीक है। अगर आप जैसा मंत्र आप बोलेंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं अकेले बस बैठ गए, पढ़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, भाई सर ने तो बोल दिया है, मंत्रों के अधीन है भगवान, तो आप मंत्र ही पढ़ेंगे मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है, साथ में, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बहका देना। नेक्स्ट क्या है? दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वर्षा, नीरद, बादल, विद्युत। और इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, यानी कि विद्युत होगा सर। क्वेश्चन नंबर 13, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? कठिन है, खराब है, रुक्ष है, कठोर है। मृदुल का उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है आपने, जस्ट उल्टा। विलोम शब्द क्या है? मृदुल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मृदुल है, कठोर है। आगे बढ़ते हैं, कोमल, कठोर, है ना, कैलस, और इंग्लिश नॉर्मल में भी आप देखते चलिए इनको। नेक्स्ट सवाल है, सही विकल्प हमें चुनना है। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या बोलते हैं? जठरानल, दावानल, बड़बानल, कामानल। ए बी सी डी, जंगल में लगने वाली आग, ऑप्शन बी, धवानल। नेक्स्ट सवाल, कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टदारी है, कष्टप्रद है, कष्ट साध्य है, या फिर नोटा, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपको इवन पहले भी करवाए हुए हैं, तो बताइए आज 50 में से 50 आपका स्कोर होना चाहिए। कष्ट से संपन्न होने वाला इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कष्ट साध्य। कष्ट साध्य यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 16 से 19 तक आपने क्या करना है? आपने रिक्त स्थान भरने हैं विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, और यही इंग्लिश में पूछते हैं, है ना। उसी में वो रख देते हैं आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन वगैरह वगैरह रख देंगे। समाज के जाति और धर्म के खेमों में बंटने से राष्ट्रीय प्रगति पर गंभीर डैश लग चुके हैं, बताइए। पद चिन्ह लगे हैं, लिपि चिन्ह लगे हैं, प्रश्न चिन्ह लगे हैं, विराम चिन्ह लगे हैं। और इसका सही जवाब हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं, ऑप्शन सी जो कह रहे हैं बच्चे वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे अगर हम बढ़ें, केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का टेस्ट नहीं कर सकता है। चलो भाई, प्रतिभा बताइए क्या होगा? प्रत्युक्ष होगा, पीयूष होगा, उन्मेष होगा, या फिर अमर्ष होगा? केवल बुकिश नॉलेज ही सफिशियंट नहीं होती है, बात बिल्कुल सही है। केवल डिग्री लेना ही सफिशियंट नहीं है, आपका जो रियल बिहेवियर से भी इंसान का पता लगता है कि वो एजुकेटेड है या फिर नहीं है, जो आप, है ना, नॉर्मल। हम ये लाइन कई बार आप बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, बताइए। केवल पुस्तकीय ज्ञान, है ना, छात्रों का मौलिक प्रतिभा का टेस्ट नहीं कर सकता, ऑप्शन बी, दैट इज उन्मेष नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा? वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, यथार्थ तो होगा, चरित्रवान होगा, संपूर्ण होगा, या फिर सच्चा होगा। केवल और केवल डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है, द करेक्ट आंसर इज सच्चा इंसान वही है, ठीक है। और ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज फर्स्ट बिफोर योर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, एवरीथिंग, ठीक है। हमेशा मैं भी ये कहता हूँ, मानवता को आगे रखिए, राइट। अब डॉक्टर ये तो नहीं देखेगा क्या किसकी कास्ट कौन सी है जब ऑपरेशन करता है ना, वो सीधे कर लेगा। यही कहानी आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सवाल क्या है? महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात डैश थे, परिग्रह थे, विग्रह थे, अनुग्रह थे, या फिर अपरिग्रह थे? क्वेश्चन नंबर 19 सवाल हमसे, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात, ऑप्शन बी, अनुग्रह थे, ठीक है, बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। निम्न वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कौन से हैं? बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। हिंदी में ये सवाल ज़्यादा पूछते हैं, इंग्लिश में नहीं पूछते हैं, बट मैं आपको बता सकता हूँ, आपको कंजक्शन वाला एक टॉपिक अगर करवाया होगा,
ठीक है, जो कि करवाया है। लेकिन हाँ, ये चीज आपको मिलती है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, मतलब रिलेटिव क्लॉज ही चैप्टर है। ठीक है, एक ना एक दूसरे पे निर्भर करना चाहिए। हम कहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, ये इंग्लिश में बताया हुआ है आपको, कहाँ पे हमने पंक्चुएशन, ये चैप्टर है पूरा। लेकिन हिंदी में पूछते हैं, इंग्लिश में नहीं पूछते हैं, बट पूछ भी सकते हैं 2024 में है। राइट राइट राइट, सही आंसर होगा बिजली नहीं थी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इसलिए अंधेरा था। दो क्लॉज दिए हुए हैं, रीजन दिया हुआ है, क्योंकि कंजक्शन में क्यों बोला, क्योंकि कंजक्शन का ही तो इस्तेमाल होता है, बिकॉज का, सो दैट का, अनलेस का, ऑल दो का, दो का, और ये सारा बेटा आपको पढ़ाया हुआ है पेड क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं और पढ़ाया जाएगा जो अर्जुना बैच के बच्चे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई में कौन सा वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, इनमें से कोई भी नहीं। नोटा, कौन सी ऑप्शन पे ताला लगा दिया है, वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। तो ये जो वाक्य है ऑप्शन सी, दैट इज संयुक्त वाक्य है ये। ठीक है, संयुक्त है ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल, अंश अंश शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, हिस्सा कुल होगा, कंधा हिस्सा होगा, किनारा भाग होगा, परिवार भाग होगा। क्या लिखा है, अंश अंश शब्द युग्म में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन 22, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कंधा और हिस्सा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल क्या है, वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है आपने, क्या कहीं पे कोई एरर है, पढ़ते हैं जरा। यह निर्घात सत्य है कि बालकों की मानसिक शक्तियां, बस यहीं तक है। स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती है, यहीं तक है, उतना किसी अन्य उपाय से नहीं, ऑप्शन सी लाइन, एंड डी इज कोई भी त्रुटि नहीं है, नो एरर। क्या लग रहा है आपको, यह निर्घात सत्य है कि बालिकों की मानसिक शक्तियां स्त्री के स्नेह की छाया में जितनी विकसित हो सकती हैं, उतनी किसी अन्य उपाय से नहीं, द आंसर इज ऑप्शन डी। सर इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा है, सो नो एरर नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण है, कल भी आया था, क ख ग है ना, कौन सा है कौन सा नहीं है, आज भी पूछ लिया, बताओ, प त ट ह, बताओ। और ये तो 3-3 साल बाद पेपर होते हैं पटवारी के, है ना। आप देखो, अगर पहले उन्होंने पूछा 3 साल बाद, वहीं से सवाल पूछा, पेपर ऑलरेडी आपका लीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, पटवारी पेपर लीक है, एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भाई दम है तो इसको पार करके दिखा, और सिलेबस भी तो दिया हुआ है आपके पास, हर एक चीज है आपके पास, क्या नहीं है। तो पेपर हैज बीन आउट, ठीक है, तो बताओ फिर। अब वो बोल रहा है कि हाँ, उच्चारण स्थान से हमें एक क्वेश्चन डालेंगे, लेके दिखाओ, समास से डालेंगे, संधि विच्छेद से डालेंगे, सिनोनिम एंटोनिम पे आएगा, इडियम फ्रेजेस पे आएगा, मुहावरे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये 50 नंबर यकीनन, यहाँ से आपका स्कोर 45+ तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। रीजन, क्योंकि मैथ और जो डायनेमिक पोर्शन है वो भी स्ट्रांग करना पड़ेगा, तब जाके आपको 80-85 नंबर आएंगे तो आपका मेरिट में नाम आएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सर, ह हो जाएगा। लास्ट सवाल इंग्लिश का ये है कि यहाँ पे ये होते हैं एक्चुअली पुलिस कांस्टेबल में ऐसे सवाल आते हैं, जंबल टाइप ऑफ सेंटेंस, ए बी सी डी करके, यहाँ पे पूरा इनको पढ़िए और बताइए एग्जैक्ट वे में क्या होगा। जैसे कि गत 80 वर्षों के हमारे दिमाग को इतना बोथरा, सुकुमार दुनिया हमारी पथराई आंखों के, बना दिया है कि संस्कृति की राजनीतिक आर्थिक संघर्षों सामने आकर भी नहीं आ पाती। अब देखो, व ल य र कौन सा होगा, है ना, अब हिंदी में तो ऐसे देंगे, इंग्लिश में हो जाता ए बी सी डी, कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, यही आपको बताना है। तो अगर आप इसको पढ़ें अच्छे से तो बताइए क्या होगा, कौन सा पहले होगा, कौन सा लास्ट में होगा, और इसका सही जवाब होता, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी करना है, ऑप्शन डी वाला सही है, व य ल और र। एक बार देखिए जरा, पहले आप बोलते राजनीतिक आर्थिक संघर्षों, फिर आप बोलते ये स्टेटमेंट हमारे दिमाग को इतना बोथरा, फिर आप बोलते बना दिया है कि संस्कृति की सुकुमार दुनिया हमारे पथराई आंखों के सामने आकर भी नहीं आ पाती है ना, पहली लाइन ये थी और पहली ये भी थी, गत 80 वर्षों के, वहां से आगे यहां से स्टार्ट हुआ, ऑप्शन डी आप सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थे 25 सवाल हिंदी के, बताइए 25 में से क्या स्कोर है आप सभी का, जल्दी से आपने कमेंट करके बता देना है कि सर हमारा जो स्कोर है वो ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, इंग्लिश के भी 25 सवाल हैं, ये पैसेज हमने पहले भी किया हुआ है, बताइए, पढ़ लेते हैं। मैन जो है एक आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, इफ ही मेक्स अ प्रॉपर डिविजन ऑफ हिज टाइम ही श्योर टू प्रॉस्पर इन लाइफ, बट इफ ही डजंट अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट, टू किल टाइम इज सिनफुल,
यूथ इज द गोल्डन सीजन ऑफ लाइफ, इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट द होल ऑफ आवर लाइफ, सो हु स्पॉइल्स अ मैन लाइफ, पहला सवाल भाई कौन है, आपकी जिंदगी को कौन बर्बाद कर सकता, आप खुद बताओ। सर हम ही कर सकते हैं और तीसरा तो नहीं आएगा ना करने, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मैन हिमसेल्फ हो जाएगा। दूसरा सवाल पूछा, इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर इन लाइफ मैन शुड मेक बेस्ट यूज ऑफ, इस पैसेज को भी छोड़ दो, अगर ऐसे भी पूछ लिए आपसे बताइए, अगर जिंदगी में कुछ कामयाब बनना है, सक्सेस चाहिए, तो सबसे बेस्ट यूज किसका करना है, ऑब्वियसली सर टाइम का ही करना है, अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढते रह जाओगे, फेट किस्मत है, किस्मत के सारे कब तक चलोगे, और एम्बिशन तो है आपके अंदर, इच्छाएं, तो ऑप्शन बी। और तीसरा सवाल है, इफ वी आर नॉट केयरफुल इन अर्ली लाइफ इन लेटर लाइफ वी विल सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ डैश 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 इरेगुलरिटी मिसबिहेवियर लॉस या फिर प्रोपेंसिटी, हमें किस चीज़ का नुकसान होगा अगर हम केयरफुल नहीं हो। एक बार पैसेज भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप बोलें कि हाँ सर, मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट, पढ़ ले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए सभी के सभी, इफ वी लूज दिस टाइम वी विल हैव टू रिपेंट, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा रिपेंट प्यारे बच्चों, लेकिन ऑप्शन में रिपेंट नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें, या इन चारों में से ऐसा एक भी वर्ड नहीं है जिसका ये मतलब आए कि रिपेंट, रिपेंट क्या होता है, पछतावा, रिग्रेट है, हमें पछतावा है, तो अब इसका सही जवाब फिर आप क्या देंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉस हो जाएगा, ठीक है, पछतावा और लॉस कहीं ना कहीं मिल रहे हैं हल्का फुल्का, बाकी नहीं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है देयर वर डैश व्यूअर्स देन एक्सपेक्टेड, फ्यूअर होगा, लेस होगा, मैनी होगा, लेसर होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे आपको एक रूल समझना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी लास्ट टाइम भी, लिटल का ही जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, सवाल कहाँ से आया है, पहली बात तो ये सवाल आया है एडजेक्टिव से, लिटल का कंपेरेटिव होता है लेस या फिर लेसर, और यहाँ पे हो जाएगा लिस्ट, दो जगह इन्होंने दे दिया है लेस और लेसर, यानी कि मतलब इसका सेम ही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका आंसर लेसर बताया था शायद मैंने, देयर वर लेसर व्यूअर्स, लेकिन एक और कहानी है यहाँ पे, हम व्यूअर्स जो है हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस, अगर ये काउंटेबल है नाउन, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर ही आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, नाउन, संज्ञा दो प्रकार का होता है, काउंटेबल नॉन काउंटेबल, और जिस बच्चे ने नाउन समझ लिया मैं बोलता हूँ वो कैप भी अच्छी होगी, आर्टिकल्स भी अच्छे होंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छा होगा, और ये आपको कहीं ना कहीं मार्क्स देंगे, और यहाँ पे भी अगर आप टेक्निकली पार्ट में जाएंगे तो आंसर इसका ये नहीं होगा, क्योंकि बी और डी सेम ही है, लेस और लेसर कहीं ना कहीं सेम है, आपका आंसर जो यहाँ पे हो जाना चाहिए दैट इज फ्यूअर, क्योंकि देखो आंसर की में वो आंसर था और उस वक्त मैंने भी चेक नहीं किया उतने अच्छे से कि आंसर क्या होगा, फिर मैंने बाद में इसको फाइनली चेक किया यहाँ से कि व्यूअर्स को कहीं ना कहीं हम काउंट कर सकते हैं अगर काउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल होता, क्योंकि लिटल लगा है, लिटल मनी होता है, याद करो लिटल, आपको बताया था ना, एक ट्रिक भी दी थी, मच वर्सेज मैनी से ही आप कर सकते हैं इनको, वरना आप मुश्किल हो जाएगी आपको, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन ए करना पड़ेगा, फ्यूअर, फ्यू और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पढ़ाया हो, याद करो लिटिल और अलिटिल में क्या होता है, ये वहां से क्वेश्चन पूछे हैं और एक्चुअली पटवारी के एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए आंसर यहाँ पे क्या है, फ्योर है, लास्ट टाइम लेसर बताया था, ठीक है, आंसर की में वो दिया हुआ है, तो आंसर की में गलत है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कैन यू ब्रिंग मी डैश बुक्स विच आई लेफ्ट इन द गार्डन, अब रिलेटिव क्लॉज होता तो विच आ जाता, नॉन लिविंग थिंग्स है बताइए, लेकिन यहाँ पे लगाओ दिस दैट दीज दोज, ये भी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, दिस दैट दीज दोज सवाल आते हैं, इसीलिए आपको करवाया, आप में से सोचते हैं कि सर थोड़ा सिलेबस बढ़ा देते हैं हमारा, है ना, कि यहाँ से सवाल आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, है ना, ऐसा नहीं है, मैं वही करवाता हूँ जो ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। सो कैन यू ब्रिंग मी, आप पूछा गया है, बुक्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो दिस और दैट तो ऐसे भी नहीं आएंगे, बचा क्या दीज और दोज, अब ये दीज की बात हो रही है, ये या फिर वो, तो बात हो रही है वो, है ना, आई लेफ्ट इन द गार्डन, तो आंसर जाता दोस्त, बहुत बढ़िया, सही जवाब सभी का। आगे बढ़ते हैं, द फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज बेयरली सफिशियंट टू डैश 12 पीपल टू द एकड़, रिवाइव होगा, रेज होगा, सस्टेन होगा या फिर हेल्प होगा, जो फर्टिलिटी थी ऑफ लैंड इज बेयरली, बड़ी मुश्किल से, है ना, सफिशियंट है टू डैश 12 पीपल टू द एकड़, दैट इज सस्टेन, सस्टेन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डैश मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, बताइए इम्पीचेस आ जाएगा, रिकग्नाइज मैटर्स या फिर ट्रबल्स, ए बी सी या फिर डी, आप कई बार बोलते हैं इसको, व्हाट डैश द मोस्ट यू शुड मेक
टेस्ट टेस्ट लाइफ में हमेशा एक लाइन आपने सुनी होगी मेरे से कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा आप चेंज करोगे, लेकिन तीसरा जो पोर्शन है जो आप नहीं चेंज करोगे वही मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है? बाकी तो आप ही का होगा, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। तीसरा पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर, है ना, बेसिक चीज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाट मैटर्स द मोस्ट, टेस्ट टेस्ट, है ना, बोलते हैं ना, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस। क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल, द इंसिडेंट हैज डैश सिवियर डैमेज टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉय, रिजल्टेड ऑप्टिमिज्म, प्रोड्यूस्ड कंडक्ट, कॉज्ड मोरेल, लेड इमोशंस। कौन सा सही वर्ड होगा? देखो हिंदी में भी आया था अभी, है ना, चार सवाल आ गए थे लगभग लगभग, बताओ जरा। यहाँ पे भी आ गया, बताइए। अब ये नॉर्मल टेंस वाइज कह लो, वोकैब वाइज कह लो, वहां से सवाल है। द इंसिडेंट हैज डैश सिवियर डैमेज टू द डैश ऑफ द एम्प्लॉय, आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इट हैज कॉज्ड, कॉज्ड एंड मोरेल, ठीक है। द इंसिडेंट हैज कॉज्ड सिवियर डैमेज टू द मोरेल ऑफ द एम्प्लॉय, है ना। आगे बढ़ते हैं, 34वां सवाल, वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे, डैश और नॉट, इट रेन्स। देखो अब ये सवाल कंजेक्शंस पे हैं, सिंस, थ्रू, वेदर या फिर इफ, कौन सा कंजेक्शन? कंजेक्शंस पे सवाल रहते हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन पे भी रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। सही जवाब हो जाएगा इफ वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे। देखो अगर यहाँ पे अगर आपने इफ लगाना होता तो लाइन बननी चाहिए थी इफ इट रेन्स और नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अलग किया है, इन्होंने नॉर लगाया है ना, नॉट लगाया है, और पोजीशन देखिए और के जस्ट आगे है, तो आंसर वेदर ही होगा फिर। वेदर यू कम और नॉट, आई विल गो टू द पार्टी, सो इट मीन्स आई विल गो। लाइनें यूज करते हैं आप सभी इस तरह से। आगे है, पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने कार्य पे ध्यान दीजिए वरना यू विल नॉट मेक मिस्टेक्स। बताइए यहां इस सेंस में बताओ, अपने कार्य पे ध्यान दें ताकि आप गलतियां ना करो फ्यूचर में, तो इफ आएगा, थ्रू आएगा, सो दैट, अनलेस आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा सो दैट यू डोंट डू, है ना। सो का डिफरेंस वर्सेस बिकॉज का आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इफ का ये सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ाया है। उन क्लासेस को जरा रिकॉर्डेड में अवेलेबल है, उनको देखिए, डिलीट नहीं होंगी, उनको पढ़िए। 36वां सवाल, द फुटबॉल टीम ट्रेवल डैश ट्रेन, ट्रेन के साथ क्या आता है, बताया हुआ है आपको, ऑप्शन बी बाय। नेक्स्ट, ही टेक्स मच इंटरेस्ट डैश लैंडस्केप, सीधा सवाल, इंटरेस्ट के साथ कौन सा लगाइएगा, यहाँ पे पढ़िए जरा और बताइए। ये भी करवाया, टू इन ऑफ फॉर, मैरिड टू आया था कल, रिलाय ऑन आया था कल, आया था कि नहीं आया था, यस सर आया तो था। तो इंटरेस्ट के साथ क्या होता है, इंटरेस्ट इन, है ना, बोला भी था मैंने एक एग्जाम्पल, इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, सर नो 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 वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। आगे बढ़ते हैं, रबी हैज बीन डैश इन दिल्ली सिंस ही वॉज 5 years old, सिंस आया है, फॉर आया है, 5 साल से आया है। बीन के बाद आपको भी पता है यहाँ पे दो चीजें आ सकती हैं सर, कौन सी सर, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों आ सकती हैं, इसमें क्या बुराई है। अगर एक आई, ये वाली आई, तो मतलब पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का, और ये आया तो टेंस ही चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। लगाना कौन सा है बताओ जरा, आप टेंस की नॉलेज होनी चाहिए आपको, जो कि आप में से बहुतों के आंसर देख रहा हूं मैं, सही है बिल्कुल। इसका सही जवाब जाता स्टेइंग, हैज बीन स्टेइंग, क्योंकि आगे अगर पोर्शन देखें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ही हैज बीन स्टेइंग देयर फॉर मैनी मैनी ईयर्स। व्हाट डैश यू बिजी यस्टरडे, पास्ट टेंस में कौन सा लगाइएगा, कीप्स, विल कीप, कैप्ट, इज कीपिंग। ये देखो दो सवाल टेंस पे आ गए, ये तो लड्डू सवाल है ना, अगर ऐसे आ गए तब तो मजे ही है फिर आपके। यहाँ पे सही जवाब हो जाता ऑप्शन सी, यानी कि कैप्ट। नेक्स्ट सवाल, हिज फर्स्ट फेलियर डिडंट डैश हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटेम्प्ट, ये भी हमने किया हुआ है, चेक होगा, स्टॉप होगा, होल्ड होगा, डिटर होगा। हिज फर्स्ट फेलियर डिडंट, आप सभी को लगेगा सर स्टॉप होना चाहिए, दैट इट डिडंट स्टॉप, स्टॉप, लेकिन एक बड़ा वर्ड ये है डिटर, जिसका मतलब भी होता है टू स्टॉप, इसीलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे यहाँ पे, ना कि सी के साथ। हिज फर्स्ट फेलियर डिडेंट डिटर हिम, डिटर मीन्स ऑब्वियसली स्टॉप। आगे बढ़ते हैं फिर, अब इनमें हमने क्या करना है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, सर पढ़ाए तो हैं, अब पढ़ो उनको। ये भी करवाया है, अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग को ही क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए, दैट इज कैलीग्राफी। नेक्स्ट वाल, फ्लैट मेटल प्लेट फिक्स्ड ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट, बताया हुआ है, क्या बोलते हैं, बोर्ड, पोस्टर, टेबलॉइड या फिर प्लेक।
द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्लेक। नेक्स्ट सवाल, स्पेलिंग बतानी है आपने परनीशियस। अब परनीशियस वर्ड कहाँ सुना है, याद करो, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया पढ़ा है ना आपने? यस सर। आरबीसी काउंट जब डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी में, आरबीसी 120 लाइफ स्पेन होता है, डिक्रीज हो जाएंगे, एनीमिया हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी के केस में ब्लड कैंसर बोल देते हैं आप, ल्यूकेमिया बोल देते हैं। विटामिन B12, सयानोकोबालामीन की बात याद करो। अब साइंस बीच में आ रही है हल्का हल्का, क्योंकि साइंस का ही वर्ड है इसलिए आ रही है। तो परनीशियस की सही स्पेलिंग हो जाएगी ऑप्शन बी पे जो आपको दिख रही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्फिडेंशियल की सही स्पेलिंग, कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, बताइए। कॉन्फिडेंशियल रखनी है आपने, तो सही स्पेलिंग है ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट 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 है, उल्टा बताना है आपने। मोस्ट अपोजिट एंटोनिम आ गया किसका, बॉदर्ड। बॉदर्ड क्या होता है, जानबूझ के टीज करना, परेशान करना किसी को, तो लाइफ में ऐसा नहीं करें। हालांकि दोस्त वगैरह हमेशा करते ही हैं टीज जब उनको बोले यार अभी मेरा मन नहीं है बात करने का। अच्छा, तो आपको पता चला है ना, हाथ पैर से उठा दिया दो दोस्तों ने और पानी में या कहीं फेंक रहे हैं ना, दोस्त तो दोस्त ही है। चलिए बताइए, काम होगा अनइंटरेस्टेड, फोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड। इसका सही जवाब हो जाएगा बॉदर्ड, परेशान करना, ऑप्शन ए, काम, पेसिफाई करना। आगे बढ़ते हैं, डिनाउंस का मतलब होता है, ये हमने कर लिया, इसका मतलब यही होता है, लेकिन उल्टा बताना है आपने। डिनाउंस होता है किसी को कंडेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, डू डाउन करना, डिफेम करना, डेरोगेटरी स्टेटमेंट देना, पब्लिकली किसी के काम को थोड़ा बहुत गंदा करना। जैसे आजकल के जो ये SDM DM बनते हैं, आपने देखा होगा इनके साथ एक ना एक चला ही होता है कैमरामैन, है ना, और हर किसी को डांट देते हैं, स्कोल्ड कर देते हैं, मतलब जेन्युइनली करते होंगे, बट ठीक है, तरीका मतलब एक सिस्टम बन गया है, एक आधे ने किया होगा स्टार्ट, है ना, वो अब सभी कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक वो चल पड़ी है कंपटीशन, कौन कितनी ज्यादा फटकार लगा सकता है पब्लिकली, है ना, किसी को ये करना। अब इसका सही जवाब होता है क्या होगा, बताइए, बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, एडमिट करना। इवन आप मानेंगे नहीं, यही वर्ड अलग वे में एडमिट आपने कल किया, किया कि नहीं किया। अब देखो दो पेपर में सेम सवाल, एडमिट करना, और आपसे आपके प्रोफेशन से भी लिंक होता है ये, है ना, ऐसा नहीं है नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है सिनोनिम, बताइए स्टंड क्या होता है। सर स्टंड, मैं उसको देख के स्टंड था, ठीक है, हैरान था, हैरान था, परप्लेक्स्ड था, फेरागो था, बहुत बड़े वर्ड हैं ये, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है, कंफ्यूज था, है ना, परप्लेक्स था, और यहाँ पे नहीं आना चाहिए वो वर्ड, बताओ। फेंटेड हो जाएगा, सरप्राइज, प्लीज, इंजर्ड, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सरप्राइज था, मैं हैरान था, है ना, हैरान। आगे बढ़ते हैं, गैलेंट्री का सही मतलब क्या होता है। मैब्रिक होता है, वेलर होता है, काउडिस होगा या फिर फियरफुलनेस होगा। राइट राइट राइट, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, आर्मी से रिलेटेड ये वर्ड है, यानी कि किसी के बहादुर, कल एक वर्ड आया था वीरांगना, है ना, किसी का वेलर, किसी का सेक्रीफाइस, किसी की बहादुरी, बोल्डनेस, ऑडेशियसनेस, है ना, ये सारे वर्ड, ना कि काउडनेस, ठीक है, डरपोक नहीं, वेलर वेलर, ठीक है, आप भी क्या बनिए, बहादुर बनिए। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स पे सवाल है, वर्ड्स ऑफ अ फैदर डैश टुगेदर, ये करवाया हुआ है, बताओ, फ्लॉक टुगेदर, फ्लाई टुगेदर, ब्रेड टुगेदर, लिव टुगेदर, हाँ, ब्रीड टुगेदर, राइट, वर्ड्स ऑफ अ फ्लैदर फ्लॉक टुगेदर, ऑप्शन डी, राइट, कि एक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो एक जैसे होते हैं ना। अब आपके दोस्त सारे नहीं बन सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपका दोस्त भी आपको चाहिए इंट्रोवर्ट ही हो, एक्सट्रोवर्ट वाले को एक्सट्रोवर्ट चाहिए, है ना, आप, है ना, अपने जैसे ही हम देखते हैं। अब मैं क्रिकेट देखता हूँ और सामने वाला फुटबॉल देखता है, तो हमारी बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा ही हो, जिसको क्रिकेट की नॉलेज ठीक ठाक हो। मैं ऐसे बोल दूँ, कोई भी नाम बोल दूँ, मार्कस स्टोइनिस बोल दूँ, सामने से आंसर आना चाहिए, भाई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। ग्लेन मैक्सवेल बोल दूँ, आना चाहिए। मैं डेविड मिलर बोलूँ, आना चाहिए, सर साउथ अफ्रीका का बैट्समैन है। अब जिसको पता ही नहीं है वो बोलेगा वो मैसी रोनाल्डो करता रहेगा, हम क्रिकेट के फैन तो फिर बॉन्डिंग नहीं बनेगी, ठीक है, बॉन्डिंग कब बनेगी, मेरे जैसा होगा। अब इधर से बोलेंगे सर रासी रसोड़े में क्या कर रही थी, अब पता ही नहीं है, जोधा अकबर है ना जो आप सीरियल देखते थे, है ना, जितने भी थे जो भी थे, प्रतिज्ञा एक आता था, हाथी माता था, अब सामने वाले को पता ही नहीं है, बॉन्डिंग नहीं बनेगी भैया, बॉन्डिंग तभी बनेगी जब एक प्रवृत्ति के होंगे लोग। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला, वो सेकंड लास्ट सवाल था और ये हमारा आखिरी सवाल है, और इसका सही जवाब क्या होगा, साइंटिस्ट वर्क फॉर डंकीज ईयर, इसका मतलब आपने बताना है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया है, ठीक है, अंडरलाइन भी होगा ऑब्वियसली, मिट गई होगी लाइन, टू अराइव एट द फॉर्मूला, काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे जहां पे भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए में अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम हो जाता है इसका सही जवाब,
जो कि आप में से बहुतों का आंसर सही है। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, और अपना अपना स्कोर जरा बता दीजिए कि 50 में से आपके कितने बने, अभी के अभी बताइए कितना स्कोर आपका रहा। और हिंदी और इंग्लिश भाषा ऐसा नहीं है पटवारी में ही पूछी जाती है, ये पुलिस में भी आएगी 32 नंबर, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी आएगी 30 नंबर, और ये अदर जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी 10 15, 10 15, और इवन HRTC कंडक्टर वाले बच्चे, इसको भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जिस तरह से आप IT टूल्स कर रहे हैं ना, है ना, राइट नाउ, उसी तरह से ये भी आपको ठीक ठाक मार्क्स देके जाएगी। और स्टडी नाइट एक और बैच लेके आया, मार्कोस बैच, ठीक है, हमारे कमांडो की तरह आपको भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। स्ट्रांग तभी बनेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। और ये नंबर दिए गए हैं, सूरज सर का नंबर है, ये मेरा नंबर है, और आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपने जो भी पूछना है, डाउट्स हैं, मैसेज करिए और ज्वाइन करिए। और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 15 या फिर 16, ठीक है, मतलब अगर त्यौहार होगा 15 को तो नहीं, बट हाँ 15 16 से स्टार्ट हो जाएंगी। 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, 12+ सब्जेक्ट उसमें होंगे। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जरा कॉल करिए सर को, पूछ सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच आप सभी का, सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम।